देश में कोविड की पहली वेव थी, समूचा देश लॉकडाउन था और इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं उसकी तारीख थी 16 अप्रैल 2020 और जगह थी महाराष्ट्र का पालघर जिला। यहां बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं समेत तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। पागल हुई भीड़ ने बेरहमी से 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के साधु सुशील गिरी के साथ उनके ड्राइवर नीलेश तेलगाड़ी की भी हत्या कर दी थी। उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना के पास थी और शिवसेना की चाबी उद्धव ठाकरे थी। कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। सवाल यह है कि आज मैं इस दर्दनाक घटना और उद्धव ठाकरे को क्यों याद कर रहा हूँ, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। अंबानी परिवार की शादी में खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे, वो भी अपने छत्र चंवर दंड और चांदी के सिंहासन के साथ। याद रखिएगा, छत्र चंवर दंड और सिंहासन सनातन परंपरा के सबसे बड़े पद शंकराचार्य की परंपरा में शामिल है, उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है और शंकराचार्य इसके बिना कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य पद की प्रतिष्ठा सनातन में सर्वोपरि मानी गई है। अंबानी परिवार ने इसी परंपरा को निभाते हुए उनका विधिवत पूजन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जब इस विवाह कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने भी शंकराचार्य के इसी पद को झुककर नमस्कार किया। अब इन दोनों खबरों का आपस में रिश्ता क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि अपने मुंबई प्रवास के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री भी गए। वहाँ भी उनका छत्र चंवर दंड और सिंहासन साथ गया। मातोश्री में भी इनका विधिवत पूजन हुआ, लेकिन वहां से निकलते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह गए कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। आपको याद दिला दें, वही उद्धव ठाकरे जिनको हिंदुत्व और सनातन के नाम पर विरासत में एक गद्दी मिली और उस गद्दी पर बैठने के बाद वो हिंदुत्व को ही भूल गए, जिन्होंने न सिर्फ शिवसेना के साथ धोखा किया बल्कि शिवसेना को हिंदुओं के रक्षक के रूप में देखने वाले करोड़ों लोगों के साथ भी धोखा किया। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने पालघर की घटना का जिक्र क्यों किया था। उस वक्त उद्धव ठाकरे की साधुओं की हत्या पर चुप्पी ने देश को हैरान किया था। अब फिर से आता हूँ शंकराचार्य पद पर। आपको ये जानना चाहिए कि ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में एक एक यानी चार मठों की स्थापना की। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिक आश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। इन्हीं मठों के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है और मठाधीश को ही शंकराचार्य के पद पर सुशोभित किया जाता है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है मठामनाय। इसी ग्रंथ में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। मठामनाय को महानुशासन भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 73 श्लोक लिखे गए हैं। इसी मठामनाय के अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए इस बात का भी वर्णन है। सबसे बड़ी पात्रता यह है कि इस पद पर विराजने के लिए पात्र का सन्यासी और ब्राह्मण होना जरूरी है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका वश होना चाहिए और तन मन से वो पवित्र हो। इसके साथ ही सन्यासी का वाग्मी होना भी आवश्यक है, यानी उसे चारों वेदों का ज्ञान हो और 6 वेदांगों का वो परम विद्वान हो, क्योंकि इन समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है, जिसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा में शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताई जाती है, जिस पर अंत में काशी विद्वत परिषद अपनी मोहर लगाता है। इस तरह सन्यासी शंकराचार्य बनते हैं और 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करते हैं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य नियुक्ति में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य थे और उनका दावा है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। आपको एक बात और भी जाननी चाहिए कि स्वरूपानंद सरस्वती स्वयं भी दो पीठों पर दामा ठोक कर बैठे थे, जिनके नाम है गुजरात के द्वारका में शारदा मठ और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित ज्योतिर्मठ। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के देवलोक प्रस्थान के बाद उनके दो शिष्य उनके उत्तराधिकारी हो गए, जिनमें से एक हैं स्वामी सदानंद, जिन्हें शारदा पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया गया, और दूसरे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने ज्योतिर्मठ पर खुद को सुशोभित कर लिया। लेकिन इसी ज्योतिर्मठ का विवाद अभी कोर्ट में है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी। सूत्रों की माने तो अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छत्र चंवर दंड और शायद चांदी के सिंहासन के प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। शगुन त्यागी और न्यूज़ कोर्ट इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि इस नियुक्ति में शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ।
अब थोड़ा सा आपको और पीछे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का इतिहास। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। इनका मूल नाम उमाशंकर है। उन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। खास बात यह है कि पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी उन्होंने जीता था। तो राजनीति और धर्म दोनों से ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का गहरा संबंध है। आपको ये भी जानना चाहिए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ही तरह मोदी के धुर विरोधी हैं और भाजपा के भी धुर विरोधी हैं। आपको ये तस्वीर तो याद ही होगी, जब मोदी के सवाल पर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था, वैसे ही अभिमुक्तेश्वरानंद भी मोदी के धुर विरोधी हैं। यहां तक कि इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में वाराणसी में उम्मीदवार उतारने की भी कोशिश की थी और इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से गऊ गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार उतारा भी था। वाराणसी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था उस वक्त भी इन्होंने इसका काफी विरोध किया था। तो कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। लेकिन शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति राजनीति आखिर कैसे कर सकता है? अब इनको लेकर दूसरे संतों की क्या राय है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, निश्चित रूप से मोटी दक्षिणा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। आपने एक शब्द नहीं कहा कि महाराष्ट्र में पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या हुई, पीट पीट के आतंकवादियों ने पूज्य संत को मार दिया, हत्या कर दिया, उस पर आपके एक शब्द नहीं आए, एक कमेंट नहीं आए। लेकिन आपको ये पीड़ा है कि कुर्सी पर उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस प्रकार राजनीतिक वक्तव्य दिए गए, इस देश का संत समाज यह जानना चाहता है कि पाल घर में उसके मुख्यमंत्रित्व काल में पीट पीट करके जिन संतों की हत्या की गई, क्या कभी पाल घर के उन संतों के बारे में भी कभी जुबान खुली? उद्योगपतियों के विवाह में या बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे, उनकी विचारधारा विपरीत में जाके विद्रोहियों के साथ जाके वो मिल गए और ऐसे लोगों के घर में जाकर महाराज श्री ने जो है उनके निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो है उनके साथ धोखा हुआ। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया। अब ऐसे में ये कहकर खुद को जस्टिफाई करना कि अगर मोदी जी मंदिर में पूजा करते हैं तो उसकी तस्वीरें अगर मीडिया दिखा सकता है तो फिर ये राजनीति के लिए कुछ बयान क्यों नहीं दे सकते, ये कितना जायज है, इस बात का फैसला आप स्वयं करें। क्योंकि भारत में राजनीति तो कई और दूसरे संत भी करते हैं। पिछली सरकार में कई संत मंत्री भी रहे, यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं महंत हैं, लेकिन शंकराचार्य के लिए जो नियमावली है उसमें राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़स्कोप से जुड़े रहिए। नमस्कार।